नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में 24 अप्रैल से मिलेगा 500 रुपए वाला सस्ता गैस सिलेंडर। राजस्थान में आपको 24 अप्रैल से सस्ता गैस सिलेंडर और बिजली जो है मिलेगी। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर लाभार्थी को इस लाभ का मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जो है वो जारी करेंगे। बस इसके लिए आपको योजना में पंजीकरण जो है वो कराना होगा, वे भी सरकार की महंगाई राहत कैंप में। वह अशोक गहलोत सरकार जो है प्रदेश में 2000 स्थायी जो कैंप जो है वो यहाँ पर लगाने जा रही है। वही ये जो कैंप होगा इसके माध्यम से यहाँ पर सरकार चाहती है कि तमाम योजनाओं का प्रचार सीधे लोगों को इस योजना का यहाँ पर लाभ पहुंचे। भाई सरकार ने इसके लिए यहाँ पर तैयारी जो है राजस्थान में शुरू कर दी है। ये कैंप जो है पंचायत और गाँव में भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो बस अब देर किस बात की, आप अपने कागजात उठाइए और योजना में पंजीकरण कराइए। ये कैंप जो है केवल राजस्थान में 30 जून तक ही चलेंगे। वह इसमें जो गैस सिलेंडर और निःशुल्क बिजली योजना जो है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन है न्यूनतम 1000 रुपये और इसके अलावा पालनहार योजना रजिस्ट्रेशन संशोधित भुगतान के आदेश में यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि जो है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया, इसमें इसका लाभ भी आपको मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में कक्षा 8 की तृतीय भाषा की परीक्षा टली 11 की बजाय अब 13 अप्रैल को होगा एग्जाम। राजस्थान में सरकार ने 11 अप्रैल यानी आज मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश जो है उसकी घोषणा की है। इस कारण आज के दिन आयोजित होने वाली जो प्रारंभिक शिक्षा जो परीक्षा जो है कक्षा 8वीं की वो यहाँ पर तृतीय भाषा की परीक्षा जो है अब 13 अप्रैल को यानी गुरुवार को होगी। बता दें आपको कि 11 अप्रैल को ये परीक्षा होने प्रस्तावित थी, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सरकार की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसी कारण 11 अप्रैल को होने वाली जो प्रारंभिक परीक्षा जो है शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता जो प्रमाण पत्र परीक्षा जो है तृतीय भाषा की ये जो अब 13 अप्रैल यानी गुरुवार को होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है राजस्थान के मौसम को लेकर। राजस्थान में तापमान पहुंचा है 40 डिग्री पार। किसानों के लिए मौसम विभाग ने दी है अच्छी खबर। राजस्थान में मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल बदल गया है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के आसपास चला गया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पिछले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर का 39.5 डिग्री के आसपास रहा है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा में 40.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं आने वाले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। आज जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की वजह से छठ पूजा स्थानों पर मेघगर्जन और बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं हफ्ते के अंत तक राजस्थान के अंदर तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वही आज जोधपुर बीकानेर संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर बाद कुछ इलाकों में छटपुट स्थानों पर मेघगर्जन और बूंदाबांदी होने की संभावना है। वही जयपुर उदयपुर भरतपुर अजमेर कोटा संभाग के भागों में 2-3 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इससे यहाँ पर कोई बदलाव दिखने को यहाँ पर मिल सकता है। पिछले दिनों यहाँ पर हुई बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ था। कई क्षेत्रों में फसल अभी भी पानी में यहाँ पर डूबी हुई है। मौसम शुष्क रहने से फसलों की कटाई के सीजन में यहाँ पर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें आपके देश में इस समय फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का समय अभी चल रहा है। बारिश होने से खेतों में पड़ी हुई फसलों को किसान निकाल नहीं पा रहे हैं। वही ड्राई वेदर फसल के लिए ठीक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसे आसानी से रबी की पक्की जो फसल है उसका थ्रेसिंग यहाँ पर हो सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर देखिए। राजस्थान में 2000 टैक्स मित्र होंगे नियुक्त, जीएसटी और वेट जमा कराना होगा आसान। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। दरअसल राजस्थान में सरकार 2000 टैक्स मित्र नियुक्त करने जा रही है। इससे जीएसटी और वेट जमा कराना व्यापारी और दुकानदार आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दरअसल ई टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर राजस्थान सरकार ने अपने डेवलप करने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार जीएसटी और मूल्य वर्धित कर जो है वैट वो जमा कराने को आसान बनाने के लिए 2000 टैक्स मित्र नियुक्त राजस्थान सरकार करेगी। इसे जीएसटी और वैट जमा कराना आसान हो जाएगा। वह एक सरकारी बयान के अनुसार सरकार आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिए 2000 टैक्स मित्र जो है उनकी नियुक्ति जो है राजस्थान के अंदर करने वाली है। 2000 टैक्स मित्र की जो नियुक्ति जो है वो करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियोजन की योग्यता और शुल्क निर्धारण संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने यहाँ पर जो मंजूरी जो है प्रदान की है। वही गहलोत ने व्यापारी और स्वयं कर जांच और प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा आधारित ई टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की स्वीकृति भी दी है।